अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे यूपी डीएलएड बीटीसी एडमिशन 2023 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 27 अगस्त 2023 की। बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, पहली रैंक लिस्ट कब जारी होगी पूरी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा कि आपसे देखिए कौन सा आईडी प्रूफ मांगा जाएगा, क्या आपके आधार कार्ड से काम चलेगा। उसके बाद दोस्तों देखिए, आप लोग जो फोटो अपलोड कर रहे हैं, सिग्नेचर अपलोड कर रहे हैं, वो क्यों नहीं ले रहा है, उस अपडेट को भी हम आपके सामने रखेंगे। और देखिए आप लोग फॉर्म भरते समय क्या डिक्लेयर करते हैं, क्या घोषणा पत्र देते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत से बच्चों का सवाल है कि सर करेक्शन की डेट कब तक आएगी, अगर हमने फॉर्म भरते समय कोई गलती कर दी तो क्या उसको हम सुधार सकते हैं, इसको भी देखेंगे। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे निवास प्रमाण पत्र को लेकर, जो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। अगर आप यूपी के बाहर के छात्र हैं, मान लेते दोस्तों आप लोग बिहार, राजस्थान या किसी अन्य जिले से हैं, मतलब राज्य से हैं, ठीक है, जिले की बात नहीं है, अन्य राज्य से हैं, तो क्या आप यूपी डीएलएड में आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आप लोग के पास जो प्रमाण पत्र बना रहे, जैसे आपके पास जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र या कोई भी प्रमाण पत्र है, वो कब तक आप बनवा सकते हैं, उसको भी देखेंगे। उसके बाद देखिए एक और सवाल ये था कि आप लोग को करेक्शन का मौका मिलेगा या नहीं, यहाँ पर लिखी बात है। उसके बाद देखिए दोस्त, एक ट्वीट आता है कल, ठीक है, असम से अपडेट है। जी हाँ, काफ़ी सोशल मीडिया पर बात वायरल हो रही थी कि वहाँ पर बीएड के छात्रों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मौका मिला है। तो जरा इनका ट्वीट देख लीजिए, क्लियर क्या लिखा था। एज पर एनसीटीई गाइडलाइन, बीएड इज अलाउड एज एन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर इन यूपी लेवल। यूपी का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर अपर प्राइमरी, मतलब 6 to 8 क्लास के लिए, ठीक है। एक होता है हमारा एलपी लेवल, मतलब लोअर प्राइमरी, मतलब होता है 1 to 5 क्लास के लिए, ठीक है ना। उसके बाद एक और बड़ी खबर आती है, परीक्षा देने के बाद प्रेमी के साथ भागी छात्रा, माँ करती रही इंतजार। अब देखिए भैया, पेपर देने निकले छात्र प्रेमी के साथ फरार हो गए। अगली खबर दोस्तों देखेंगे, शिक्षक भर्ती परीक्षा संपन्न, अगले महीने रिजल्ट आने वाला। जी हाँ दोस्तों, बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती तकरीबन 80,000 पदों पर वैकेंसी है और आपके जो सीनियर छात्र हैं वो नौकरी पाने वाले हैं। तो जो बच्चे इस साल डीएलएड में एडमिशन ले रहे हैं उनके लिए बढ़िया वाली खबर है कि ठीक है ना, आने वाले 2 सालों के बाद वैकेंसी आएगी और आप लोग भी नौकरी पाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों सवाल है कि क्या कोई स्टेट गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट से बड़ी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, असम की बात हो रही है, क्या वो सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट आया, आदेश है, क्या उसका पालन ये नहीं करेंगे, क्या उससे बड़े ये हो गए? तो इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने क्लियर किया है कि भैया वो अपर प्राइमरी के लिए है, ठीक है ना, बीएड के छात्रों के लिए एलिजिबल है, वो तो यूपी में भी है। इंतजार की घड़ियां दोस्तों जल्दी ही समाप्त होगी, मिलेगी बड़ी खुशखबरी, ठीक है। और एक बात और आपको क्लियर कर दें, बहुत से बच्चों का ये भी सवाल था, देखिए इस वीडियो में हम आप लोग जो कमेंट करते हैं ना उसका भी जवाब दिया जाएगा, ठीक है ना। बहुत से बच्चों को लगता है सर हम कमेंट कर देते हैं, हमारा कोई कमेंट पढ़ता है कि नहीं, आप हमारे कमेंट का रिप्लाई नहीं करते। तो जो बच्चे लास्ट टाइम कमेंट करते हैं उन सभी बच्चों का रिप्लाई यहाँ पर किया जाएगा। फॉर्म भरते समय गलती हो गई, कब से शुरू होगा ऑनलाइन करेक्शन, योग्यता, निवास और उम्र में छूट की सीमा क्या है। देखिए दोस्तों, एज लिमिट मिनिमम, अगर आपकी एज कम से कम 18 साल है, ठीक है, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आपकी एज 17 साल 9 महीने 11 महीने तो भी आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो भाई मिनिमम एज में तो बिल्कुल क्लियर है और मैक्सिमम एज में 5 साल की छूट मिल जाती है आपके कैटेगरी के हिसाब से, मतलब। उसके बाद देखिए दोस्तों, जब आप लोग फॉर्म भरते हैं, ये दोस्तों आता है हमारा पार्ट टू में, रजिस्ट्रेशन का पार्ट नंबर 1 है और पार्ट नंबर 2। यहाँ पर दोस्तों आपसे जो आईडी प्रूफ मांगा जाता है, वोटर आईडी या पैन कार्ड। देखिए मैक्सिमम बच्चे यहाँ पर पैन कार्ड फिल करते हैं, उसका रीजन ये है कि बैंक पासबुक विथ मतलब फोटो, करंट एड्रेस, ये इससे अच्छा है तो ये पैन कार्ड है, क्योंकि आजकल सबके पास अपना बैंक अकाउंट होगा तो वहाँ पर पैन कार्ड कंपलसरी है। ड्राइविंग लाइसेंस लड़कियों के पास हो सकता है, बहुत सी बच्चियाँ ऐसी होंगी जिनके पास डीएल नहीं होगा, पासपोर्ट बहुत से कम बच्चों के पास है, राशन कार्ड, तो पैन कार्ड वाला विकल्प हमें बहुत ही बेहतर लगा। अब देखिए फोटो अपलोड करने में क्या दिक्कत है, जो दोस्तों आपकी फोटो होगी पासपोर्ट साइज वो दोस्तों कितनी होनी चाहिए, 50 KB से कम होनी चाहिए, और दोस्तों जो आप लोग का सिग्नेचर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, वो 20 KB से कम होना चाहिए, ठीक है। इसको जरा देख लीजिएगा, अब मान लीजिए आपका सिग्नेचर की साइज भैया 50 KB आ रही तो अपलोड नहीं होगा, ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि वेबसाइट ऐसे भी स्लो चल रही है, एक गलती कर देंगे तो बाद में आप और ज़्यादा परेशान होंगे।
डिक्लेरेशन में क्या होता है, जब आप लोग फाइनल सबमिट करने जाते हो तो यहाँ पर एक बात लिखते हैं, मैं प्रमाणित करता हूँ कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में भरी गई समस्त प्रविष्टियाँ मेरे पास उपलब्ध अभिलेखों पर आधारित हैं एवं मेरे संज्ञान में सही एवं सत्य हैं। मुझे विज्ञापन की दी गई समस्त शर्तें मान्य हैं। यदि चयन के पूर्व अथवा बाद में किसी भी स्तर पर जांचोपरांत ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित कोई भी विवरण त्रुटिपूर्ण अथवा असत्य पाया जाता है तो उसका उत्तरदायित्व तो मेरा होगा और संबंधित अधिकारी को मेरा अभ्यर्थन निरस्त करने तथा मेरे विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करने का अधिकार होगा। देख लीजिए, आप लोग खुद बोलते हैं कि भैया कोई गलती करते हैं तो हमारा आवेदन निरस्त कर दीजिए। आवेदन करने की तिथि को मेरे पास आवेदन पत्र में उल्लिखित समस्त अंक पत्र, जो दोस्त तो आप लोग कहते हैं ना कि सर जी अभी हमारा ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं है, क्या हम गलत नंबर डाल सकते हैं? देखिए यहाँ पर क्लियर लिखा गया है, जो आप दोस्त नंबर डालते हैं हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन का वो आपके पास है, प्रमाण पत्र आपके पास है, आरक्षण एवं विशेष आरक्षण, जैसे दोस्तों अगर आप कैटेगरी सर्टिफिकेट लगा रहे हो ओबीसी कैटेगरी एससी कैटेगरी एसटी कैटेगरी फिजिकल हैंडीकैप में, या दोस्तों आप ईडब्ल्यूएस लगा रहे हैं, तो वो प्रमाण पत्र आवेदन करने की डेट तक आपके पास होना चाहिए हर हालत में। अगर आज आप आवेदन करना चाहते हैं, आज है तारीख 27 अगस्त, तो 27 अगस्त तक का आपके पास जाति प्रमाण पत्र निवास प्रमाण पत्र ठीक है, और उसके बाद जो आपका ग्रेजुएशन का रिजल्ट है ऑनलाइन वाला ठीक है, मार्कशीट नंबर नहीं कोई दिक्कत नहीं। आवेदन शुल्क जमा करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक नियत शुल्क जमा करने पर मेरा ऑनलाइन आवेदन प्रशिक्षण हेतु विचारणीय होगा ठीक है। अब बात रही निवास की, देखिए दोस्तों जरा ध्यान से सुनिएगा, सभी बच्चे जो यूपी के बाहर के, जैसे बिहार से आ रहे, राजस्थान से आ रहे हैं या किसी दिल्ली से आ रहे हैं, देखिए ऐसे अभ्यर्थी आवेदन हेतु पात्र होंगे जो उत्तर प्रदेश से स्थायी निवासी, ये जरा लाइन ध्यान रखिए, स्थायी निवासी हो। प्रवेश के समय होने वाले अभिलेखीय जांच में अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश में अपने गृह जनपद का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रवेश की तिथि तक जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थी का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान रखिएगा। अगली बात, आवेदन पत्र भरने की अंतिम निर्धारित तिथि के बाद घोषित परीक्षा फल, शैक्षिक अंक पत्र, आरक्षण प्रमाण पत्र एवं विशेष आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र प्रवेश के समय स्वीकार नहीं होंगे। याद रखिएगा दोस्तों, जो हमने आपको बात कही, अगर आप लोग का रिजल्ट आवेदन करने के बाद आता है तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। अगर आप लोग ओबीसी सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं लेकिन आवेदन सब कुछ कंप्लीट हो गया उसके बाद, तो उसका भी कोई मतलब नहीं है। आवेदन के अंतिम तिथि तक इंटरनेट से प्राप्त अंक पत्र को मान्य करते हुए अभ्यर्थी को इस आशय की घोषणा पत्र प्राप्त कर लिया जाए कि यदि भविष्य में सत्यापन के समय किसी भी प्रकार की विसंगति होती है तो उसका अभ्यर्थन स्वतः निरस्त समझा जाएगा। देखिए दोस्तों, आप लोग बाद में कुछ कर नहीं पाएंगे, ये लोग बहुत होशियार होते हैं ठीक है ना, इसको जरा ध्यान रखिएगा। तो वही बात हम आपको बता रहे थे। एक बात और, अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन में देखिए अंकित प्रविष्टियों में संशोधन का कोई अवसर देय नहीं होगा। अगर आप फॉर्म भरते समय पिताजी का नाम माताजी का नाम कुछ भी गलती कर रहे हैं तो इसमें आप करेक्शन नहीं कर सकते, आप एक ही काम कर सकते हैं कि दोबारा से आवेदन करिए ठीक है। अगर दोस्तों आपका हाई स्कूल में 12वीं में ग्रेजुएशन में, जो दोस्त ये नंबर आप लोग डालते हैं कि भैया 600 में से हमारा 400 नंबर बन रहा है 390 बन रहा है, ये गलती किसी भी कीमत पर नहीं होनी चाहिए। जो दोस्तों आप लोग लास्ट में फाइनल प्रिंट आउट निकालते हैं ना, वो दोस्तों जब आप लोग का काउंसलिंग का प्रोसेस होगा ठीक है तो भी आप इसको लेकर जाते हैं। चलिए दोस्तों ये सब बातें रही, मुजफ्फरपुर से अपडेट थी, परीक्षा देने के बाद प्रेमी के साथ भागी छात्रा ठीक है, ये सब बातें होती रहेंगी। चलिए दोस्तों अब देखते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करते हैं, आप लोग के कमेंट यहाँ पर देखे जाएंगे कि आप लोग ने क्या कमेंट किया, उसका भी यहाँ पर उत्तर दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों पहले बच्चे का कमेंट यहाँ पर क्या आ रहा है इसको देखते हैं हम लोग। देखिए बच्चे का कहना है कि सर मैं अदर स्टेट राजस्थान से हूँ, बीटीसी कर सकता हूँ क्या? देखिए जो बच्चे राजस्थान बिहार से हैं, आपके यहाँ भी डीएलएड या बीटीसी का कोर्स किसी और नाम से भी होता है तो आप लोग वहाँ पर करिए ठीक है, क्योंकि उसके बाद दिक्कत आपके यहाँ भी आ सकती है जब आपके यहाँ वैकेंसी निकाली जाएगी ना। जरा समझिए इस बात को, कुछ बच्चे बिहार के सोच रहे हैं हम यूपी में डीएलएड कर लें, चलिए ठीक है आपने यूपी में निवास प्रमाण पत्र कैसे ना कैसे बनवा लिया, लेकिन उसके बाद जब बिहार में वैकेंसी निकलेगी ना तो आप उस समय फिर बिहार में ओबीसी एससी एसटी का सर्टिफिकेट नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि फिर उसके बाद आप यूपी के स्थायी निवासी बन चुके हैं और जब बिहार में वैकेंसी आएगी तो आप वहां पर जनरल काउंट हो जाएंगे ठीक है ना। ये गलती काफी बच्चे करते हैं ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को आंसर समझ में आ रहा होगा। डेट बढ़ने से क्या मतलब जब वेबसाइट चलेगी नहीं? जी हाँ, देखिए वेबसाइट अच्छी नहीं चल रही, बिल्कुल ये सही बात है,
और वेबसाइट रात के 2 बजे के बाद आज अच्छी वर्क की है। हमने खुद ही कुछ बच्चों के आवेदन आज रात में किए हैं। आज तक कितना आवेदन हो चुका है प्लीज रिप्लाई करिए सर। ठीक है देखते हैं। पेमेंट हो गया है, नेक्स्ट प्रोसेस एक्सेस टू यूपी डीएलएड गवर्नमेंट। ठीक है, वाज डिनाइड ऐसे लिख के आ रहा है, क्या करें। ये ठीक है, लिख कर आता है, लेकिन आप लोग बार बार प्रयास करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। ऐसी कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। साइट इज वेरी लो स्लो, मतलब ठीक है, ये बात सही है। सर जी फोटो सिग्नेचर नहीं ले रहा। जी हाँ दोस्त, वही अपनी फोटो वाली बात बोले कि आपकी जो फोटो है 50 KB कम होनी चाहिए और आपका सिग्नेचर 20 KB से कम। अब आपको दोस्त अभी हम डीएलएड वाली वेबसाइट अपनी बताएंगे कहाँ से आप कर पाएंगे। ठीक है, फोटो की साइज को भी कम कैसे कर पाएंगे। ठीक है सर जी, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के बाद सेशन एक्सपायर्ड लिख के आ रहा है। तो देखिए एक काम करा करिए, कुछ भी आपको फॉर्म भरना है तो पहले उसको नोट पैड पर लिख लीजिए और उसके बाद फटाफट फटाफट कॉपी पेस्ट करना है। रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आ रहा। जी हाँ दोस्तों, ये प्रॉब्लम काफी बच्चों के साथ आज देखने को मिल रही है। इसीलिए कहते हैं कि भैया जब भी वेबसाइट चले कुछ ना कुछ आप प्रोसेस आगे बढ़ाइए, कम से कम पार्ट वन कंप्लीट हो जाए, समय मिले तो आपका पेमेंट हो जाए, उसके बाद पार्ट टू। वाई फॉर्म भरने पर होम पेज पे चला जा रहा है, कोई सोल्यूशन बताओ। सोल्यूशन दोस्तों यही है आप लोगों के लिए कि सही समय का इंतजार करिए, रात में आवेदन करने पर जोर दीजिए। ठीक है भाई, मैंने रात के 3 बजे रजिस्ट्रेशन किया लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर, ये ओटीपी नहीं आ रहा है। ये देखिए दिक्कत पता है, ये समय से इसका मतलब नहीं है, ये इनके सर्वर में कोई दिक्कत रहती है तो ये दिक्कत आती है। ठीक है, बीच बीच में ये समस्या सही हो जाती है, फिर ये समस्या शुरू हो जा रही है। तो ये इसको जरा आप लोग बीच बीच में ट्राई करते रहिए। अगर आप लोग का रजिस्ट्रेशन हो गया, ओटीपी नहीं आ रहा, तो एक काम करिएगा, जो फॉरगेट वाला ऑप्शन है ना, वहां पर इसको आप लोग प्रयास करते रहेंगे। ठीक है, पूरी रात से कर रहे हैं, साइट शो नहीं आ रहा, स्टेट शो नहीं आ रहा। देखिए होता है, जब जब फॉर्म भरिए ना, एक बात हम आपको क्लियर करते हैं, जब आप पार्ट टू में पहुंच जाइए, सबसे पहले दोस्त आप लोग अपने नंबर डालिए, पूरा लिखिए मत कि आपने हाई स्कूल, मतलब ठीक है हाई स्कूल इंटर में कितने नंबर पाए, ताकि वहाँ परसेंटेज वाला जो अपने आप लेता है वो ले ले, और तुरंत आप लोग स्टेट में आकर अपना उसको चूज करिएगा इंडियन डाल के, तो वो जल्दी हो जाता है। ठीक है ना, बाद में उसको खाली ओके कर देंगे, कंप्लीट होगा। मैं अभी के कर रही हूँ, 3 बजे साइट नहीं चल रही है। ठीक है, तो डेट एक्सटेंड करने का फायदा भी देखिए आपको मिलेगा। कैसे पता चलेगा पता है, जब टोटल आप आवेदन देखेंगे ना तब आपको क्लियर होगा। फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं होगा, फीस सबमिट करूँ या नहीं प्लीज बताएं। सर मार्कशीट नंबर की जगह इनरोलमेंट नंबर भर गया है। देखिए एक बात आपको बता दें, अगर अभी आप लोग फर्स्ट पार्ट में, सुनिए सुनिए, जब आप सिर्फ रजिस्ट्रेशन किए ना, तो वहां पर एक काम और कर सकते हैं, अगर आपसे गलती हो जाए तो दोबारा फ्री में रजिस्ट्रेशन होता है, दोबारा से कर दीजिए। ठीक है, तो वहां पर खाली आपको एक नई ईमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ेगी। आपके घर में 4-5 मोबाइल तो ऐसे ही होंगे, कोई और ईमेल आईडी डाल के कर दीजिए। ठीक है, फर्स्ट पेज में तो ये गलती मत करिए। ठीक, प्लीज सजेस्ट मी। चलिए देखते हैं अमन जी क्या मैसेज करते हैं। अरविंद जी 12 बजे के बाद 3 दिन से कर रहा हूँ बट नहीं हो रहा रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अगर आप पार्ट वन में हैं, ओटीपी नहीं आ रही, ये अलग प्रॉब्लम है, बाकी पार्ट टू फोटो अपलोड फीस पेमेंट ये सब तो हो रहा है। ठीक है, आप इसको ट्राई करते रहिए, रजिस्ट्रेशन नंबर वाले काफी बच्चे आ रहे हैं। हर जिले की मेरिट एक साथ बनेगी अथवा पूरे यूपी जिलों की मेरिट एक साथ। देखिए आपको बता दें, हर एक जिले की अलग अलग मेरिट होगी। वाराणसी की मेरिट अलग जाएगी, आगरा की अलग जाएगी, ठीक है, लखनऊ की मेरिट अलग रहने वाली, प्रयागराज की अलग रहने वाली। ठीक है, तो हर जिले के हर एक कॉलेज की भी मेरिट अलग अलग रहेगी, पूरे यूपी से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो हाय हाय का मैसेज का रिप्लाई भाई हेलो हो जाए। सर मेरा पूरा फॉर्म भर जा रहा है लेकिन जब फोटो सिग्नेचर अपलोड कर रहा हूँ तो फाइनल सबमिट के बाद बता रहा है कि अपलोड स्कैंड फोटो। ठीक है, तो मोबाइल से फोटो खींच के बढ़िया इसको क्रॉप कर लीजिए, हो जाता कोई स्कैन वाली वो दिक्कत नहीं है जो पहले करते थे कि आप जाइए प्रिंटर में स्कैन करिए, ऐसा कुछ नहीं। काफी बच्चे मोबाइल से फोटो खींच के, फोटो मोबाइल से खींचने मतलब आपके पास जो पासपोर्ट साइज फोटो और जो आप सिग्नेचर रखा करिए उसको एक A4 साइज, जैसे बिल्कुल नहीं होता खाली पेज रहता, उसमें सिग्नेचर करके क्रॉप करके बढ़िया फोटो अपलोड करिए। भैया मेरा मार्कशीट नंबर नहीं मिला, कोई बात नहीं, आप वहां पर एनए डाल दीजिए, नॉट अवेलेबल। 2 बजे रात में मेरा फिल हो गया। चलिए देखिए दोस्तों, एक बच्चे का यहाँ पर फिल भी हो गया। सर मैं ओबीसी से हूँ, 236 मेरिट है, क्या मुझे डायट मिल सकता है। जी हाँ, बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको सरकारी कॉलेज मिले। तो देख सकते हैं आप लोग कि भैया कितने हाई मेरिट वाले छात्र आपके साथ रहने वाले हैं। भैया मेरा स्टेप टू ओपन ही नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर आपका ओपन नहीं हो रहा तो बिल्कुल आप लोग रात में प्रयास करिए, दिन में तो सोचना भी नहीं। थर्ड स्टेप अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया मेरा,
फिल करने पर सर्विस अनअवेलेबल बता रहा। बिल्कुल होगा, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन कोशिश करते रहिएगा, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, और भी आप लोग के जो कमेंट्स आते रहेंगे उसका रिप्लाई हम देते रहेंगे। ऑफिशियल वेबसाइट ये देख सकते हैं, थोड़ा सा बदलाव किया गया था, ठीक है। बाकी जो भी अपडेट आएगी, अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। चलिए दोस्तों, कोशिश करेंगे। बाकी आप लोग हमारा व्हाट्सएप नंबर तो जानते ही हैं, ठीक है। देखिए, अगर किसी को फॉर्म भरते समय कोई दिक्कत आए ना, तो रात को ही मैसेज करिए तो बेहतर होगा, 12 बजे के बाद, ठीक है। अगर आप लोग दिन में मैसेज करें तो कुछ हो भी नहीं पाता, आप लोग जानते ही, लेकिन ठीक है, ध्यान रखिएगा। नंबर लिख लीजिए, 8738079216, 8738079216। डेट बढ़ गई, उसका फायदा उठाइए, आवेदन करिए। बाकी बीएड की तरफ अभी सोचना भी नहीं है, जब तक कुछ बीएड के पक्ष में तगड़ा फैसला नहीं आता, ठीक है। फिलहाल बीटीसी छात्रों को ही प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आने वाले समय में मौका मिलेगा, और जो बड़ी वैकेंसी होती है हमेशा प्राथमिक में, अगर जूनियर में भी आती है तो 1 to 5, 6 to 8, यहाँ पर बीटीसी डीएलएड दोनों के लिए फायदा है। पीजीटी में भी कुछ तरीका जुगाड़ लगाकर बीटीसी के छात्र जा पाएंगे। उसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन पहले आप लोग अपना कंप्लीट कर लीजिए, ग्रेजुएशन हो गया है ना, तो उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन भी करना पड़ेगा। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।